नहीं है ये रही अपनी CG125। तो इसको लेके चलेंगे आज, गरीबों वाली मोटो व्लॉगिंग होगी भाई, गरीबों वाली, और अपनी करोला को जो है ना वो वापस लेके आएंगे। और लाइट ना होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, सुबह के दो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं लाइट की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े होंगे और अपने आप को इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे अपने रूम को मैं कर लेता हूँ लॉक और टाइम है निकलने का। और अभी आप देख पा रहे होंगे करोला हमारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो करोला हमारी यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है वो छोटी सी स्टोरी भी मैं आपको सुना देता हूँ। लेकिन जनाब इस ब्लैक ब्यूटी का नज़ारा तो एक दफ़ा कर लीजिए। हाँ ये कर लो पहले। ये वाली गाड़ी हमारे मतलब की नहीं है, ये रही अपनी CG125। तो इसको लेके चलेंगे आज, गरीबों वाली मोटो व्लॉगिंग होगी भाई, गरीबों वाली। और अपनी करोला को जो है ना वो वापस लेके आएंगे। गरीबों वाली मोटर व्लॉगिंग इस सेंस में कि एक तो CG125 है, अभी ये भी गरीबों वाली बाइक नहीं रही, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चली गई हुई है। ऊपर से हमारे पास कोई GoPro नहीं है जो हमने यहाँ पे माउंट करके ज़बरदस्ती फुटेज बनानी है, सिंपल हमने अपना फ़ोन ऐसे पकड़ के जो है ना वो मोटो व्लॉगिंग कर लेनी है। तो ये हुई ना फिर गरीबों वाली मोटो व्लॉगिंग। ओके सो खवातीन हज़रात, स्टार्ट करते हैं गरीबों वाली मोटो व्लॉगिंग। कमेंट करके बता देंगे आपको व्यू सामने का कैसा नज़र आ रहा है। भाई ड्राइव हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सबसे पहले जो है ना हम छोटे मोटे काम करेंगे फिर गाड़ी लेने के लिए निकल जाएंगे। आपका भाई आ गया है करोला पे, करोला हमें मिल चुकी है और बाइक जो है ना वो हमने उससे काफ़ी डिलीवर कर दी। काफ़ी दूर आना था गाड़ी लेने के लिए और अभी मैं मेन हाईवे पे हूँ और सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े कंटेनर भी यहाँ देखने को मिलेंगे। एक ये बड़ा ट्रेलर जा रहा है। अच्छा हमें शहर के अंदर ड्राइव करने की ज़्यादातर आदत है ना, तो जब ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आस पास देखने तो थोड़ा अजीब सा फील होता है जिस बंदे ने ज़्यादा हाईवे पर ड्राइव नहीं किया हो। अभी मैं मेन हाईवे से उतर के इंटर हो गया हूँ सिटी में और अभी सीधे घर की तरफ चल। वर्किंग डे है तो जितनी ट्रैफिक मिल रही है ना, एक घंटा तो लग ही जाएगा जाते जाते। गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है ना वो चेक करें, 12.5। इस गाड़ी का इंजन वीक है तो 12.5 कभी नहीं आई। इसका मतलब है कि जितना लंबा गाड़ी को ड्राइव किया जाए फिर ही उसे मौका मिलता है एवरेज बढ़ाने का। शाबाश बेटा। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है आजकल और लाइट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, सुबह के दो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं लाइट की वजह से। तो अभी घर वापस आके दोबारा से निकल रहा हूँ। ले जी फाइनली एक काम तो हुआ, अभी अगले काम की तरफ निकलते हैं। सो जनाब अगर आज का ड्राइविंग व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना। बार्बर शॉप पे रुका था और अपना दोपड़ा जो है ना वो मैंने सेट करवा लिया है, अभी हमारा एक फाइनल काम है तो वो भी कर लेते हैं। गाड़ी वैसे तो परफेक्ट चल रही है लेकिन आज मुझे जो है ना क्लच पैडल में थोड़ी आवाज़ें फील हो रही हैं, तो कहीं जो है ना वो कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अभी घर वापस पहुंच के क्लच सिलेंडर जो है ना उसका ऑयल चेक करता हूँ कि इसका ऑयल तो नहीं काम हुआ है, ये किचर मिचर आवाज़ें क्यों आ रही हैं। इंजन रूम मैंने ओपन कर लिया, जल्दी से पहले ब्रेक ऑयल चेक कर लेता हूँ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे ये काम है तो नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं चेक कर लेता हूँ। अंदर से शायद वो ड्राई हुआ पड़ा है इसलिए आवाज़ आ रही है, ऑयल हमारा बिल्कुल ठीक है। जब हम कोई ओल्ड कार यूज़ में ला रहे होते हैं तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। मैं ख़ास तौर पे ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखता हूँ कि बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। क्लच में से थोड़ी बहुत बिल्कुल जब प्रेस करता हूँ थोड़ी आवाज़ आ रही है, शायद इधर से जो है ना उसकी रबड़ वगैरह कोई ड्राई होगी होगी, लेकिन अंदर से हमारा जो ब्रेक ऑयल है ना जो क्लच को मिलता है ब्रेक को मिलता है वो बिल्कुल ठीक है।
तो उस टाइम की घर वापस आके रेस्ट चल रही थी, तो अभी हमारा दोबारा से एक ट्रिप लगना है इवनिंग टाइम में। तो अभी टाइम है हमारे पास, मगरिब के बाद निकलेंगे। आप आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रैप अप करेंगे, छोटा सा ब्लॉग है तो आपने पूरा जरूर देखना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो ब्लॉग को इसलिए एंड करना है क्योंकि इवनिंग टाइम हो गया, लो लाइट हो गया और देख रहे हैं मेरी शक्ल आपको ठीक से नजर नहीं आ रही, रिजल्ट जो है ना वो हमारा ख़राब हो गया क्योंकि हम हैं गरीब ब्लॉगर और गरीब ब्लॉगर के पास कोई इतना अच्छा कैमरा नहीं होता कि वो लो लाइट में भी काम कर पाए। तो इसलिए जो है ना गरीब ब्लॉगर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने जैसा ख्याल रखना, आपने मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। सो अगले भी ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ा नहीं आ रहा है।